Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the next poem that we will read today. We have the detailed analysis of this poem. And in that case, hamari aaj ki jo poem hai, uska title hai In the Street of Fruit Stalls. Fruit stall kya hote hain? Jahan pe jo temporary shops lagti hain, उसको हम फ्रूट स्टॉल्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रीट्स ऑफ फ्रूट स्टॉल में कौन है? डू यू फाइंड स्टूडेंट्स, डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड फ्रूट स्टॉल? कैन एनीबॉडी टेल व्हाट इज द सिमिलैरिटी ऑफ द बोथ? इंसान फ्रूट स्टॉल इज जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ एंड इन विच व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द बोथ एज ह्यूमन लाइफ इज वेरी शॉर्ट क्या होगा सिमिलरली फ्रूट स्टॉल्स आर टेम्परेरी शॉप्स जब तक जो है वो मेला चलता है तब तक वो चलती है एज सुन एज द फेयर इज एंडेड Shops are also closed and disbanded. वो एक बड़ा मशहूरियाना कलाम मशहूर है चल मेले नु चलिए तो दैट इज पहला मेला आदम लाया दैट इज वेरी फैंटास्टिक कॉफी इफ यू लिसन तो पठाने खान ने भी गाई हुई है और इसके अलावा और भी बहुत सारे ने अलबेला ने भी गाई हुई है तो ये क्या है ह्यूमन लाइफ इज जस्ट लाइक अ फ्रूट स्टॉल है जिसमें हर इंसान ये स्ट्रीट क्या है ये दुनिया का बाजार है दिस इज ह्यूमन लाइफ है दिस इज द वर्ल्ड है दिस इज ह्यूमन लाइफ है और इसमें फ्रूट स्टॉल क्या है वो इंसान की जिंदगी है मैंस लाइफ क्या है अपनी जिंदगी थोड़ी देर के लिए वो इस मेले में सजाता है बड़ी खूबसूरती के साथ और फिर जब वो मेला खत्म हो जाता है तो वो उसका जो स्टॉल है वो भी साथ में खत्म हो जाता है ये बेसिक आइडिया है इस पोएम का आगे हम चलते हैं जरा जी इस पोएम के पहले जरा तो शायर का तौरफ करवा लें जॉन स्टेलवर्दी इसका नाम है लंदन में पैदा हुआ बीए लिटरेचर एमए लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड से किया प्रोफेसर ऑफ एमराइटिस था जो मुख्तलिफ मुल्कों में लेक्चर दे उसको हम कहते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में और क्या होगा उसके बाद हम पोएम नंबर 5 है जो हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज द नेम इज एविडेंट और उसके बाद मॉडर्न पोएट है लिटरेरी क्रिटिक है मॉडर्न पोएट की क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत ज्यादा सिंबॉलिक लिखते हैं मैंने बताया था आपको प्रीवियसली कि ये सिंबॉलिक पोएट होते हैं बहुत ज्यादा सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं सिंबल का मतलब चीजें जैसे हमने लास्ट टाइम पहली पोएम में पढ़ा था लीव्स किसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो मुख्तलिफ क्लासेस ऑफ पीपल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसी तरह से ये जितने भी मॉडर्न पोएट हैं उनमें सिंबॉलिक कैरेक्टर्स सिंबॉलिक चीजें बहुत ज्यादा हैं जैसे हम बुक किसके किस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि बुक एक ऑब्जेक्ट है और नॉलेज एक आइडिया है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करे बुक किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करे तो इसको हम क्या कहते हैं सिंबल कहते हैं वो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे सिंबल कहेंगे और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सिंबोलिज्म कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या कहेंगे सिंबोलिज्म कहेंगे तो ये है सिंबोलिज्म और हाईली सिंबॉलिक पोएट है ये सिंबॉलिक पोएट्री है इन तमाम शायरों की जो जदीद दौर में तो इसने कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ पोएट्री भी इस्तेमाल की और सिंबॉलिक भी इस्तेमाल की और ज्यादातर वो इंग्लैंड के बारे में लिखता है उसके बाद वॉर के बारे में लिखता है और अपनी फैमिली के बारे में लिखता है क्या होगा ठीक है
तो यहां पे याद रखिएगा कि आपने ये शायर का क्या था, तारफ था। अब चलते हैं जी, उसकी ज्यादातर जो है वो फेम वो वॉर पोइट के हवाले से। वॉर पोइट कौन से थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद लिटरेचर लिखा? वर्ल्ड वॉर, असल में अगर हम हिस्ट्री देखें तो वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री ये है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो जो लड़ी गई उनका जो टाइम स्पैन है बहुत थोड़ा वक्फा है। पहली जंग अजीम जो हुई वो जंग अजीम का टाइम स्पैन है 1914 से लेके 1919 तक, तकरीबन 18 के लास्ट पे ये खत्म हुई थी। सिर्फ 20 साल के अरसे में दोबारा से 1939 से लेके 1945 तक क्या होगा वो ये जंग लगी वर्ल्ड वार। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी ये जंग ने क्या होगा मिलियंस ऑफ द पीपल की डेथ का कॉज किया। तो अब दुख 20 साल का छोटा सा अरसा था उसमें दोबारा से एक जंग लगी जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की जो ना वो मारे गए। तो दुनिया में एक फियर पैदा हो गया, फियर अनसर्टेनिटी। दुनिया में क्या होगा अनसर्टेनिटी पैदा होगी कि पता नहीं तीसरी जंग अजीम होगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। और चूंकि इस जंग में पहली दफा न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया और न्यूक्लियर वेपन का जब हिरोशिमा पर बम फेंका गया अगस्त क्या होगा 6 और 9 को हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो 1945 की बात है। तो चूंकि जंग भी ये न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के साथ जाके खत्म हुई थी तो इसके बाद ये दुनिया में अनसर्टेनिटी फैल गई कि ये दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। इस अनसर्टेनिटी को जाहिर है जो राइटर्स होते हैं पोइट्स होते हैं बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, उन्होंने इसको ज्यादा महसूस किया और उन्होंने अपनी राइटिंग में इसका इस्तेमाल किया। अब ये राइटिंग में इनका इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, ये ऐसे तमाम पोइट्स या राइटर को हम वॉर पोइट्स कहते हैं या वॉर राइटर कहते हैं जो जंग के असरात के बारे में बताएं या जंग के क्या होगा डेंजर्स बताएं या जंग में तबाही के बारे में बताएं, उन तमाम पोइट्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं वॉर पोइट्स कहते हैं। तो अगर हम इसकी देखें तो इसकी भी फेम जो है वो वॉर पोइट के हवाले से है। जॉन स्टॉलवर्दी पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, कराची यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिए इसने, सिंध में जो ना इसका इंट्रेक्शन रहा, इसीलिए एक पोएम इसकी ये और एक सिटी पोएम है सिंधी वुमन, उसमें भी क्या होगा इसका जो ना वो पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये जो ना वो था हमारा पोएट का तारफ। अब चलते हैं हम अपनी पोएम की तरफ, पोएम में क्या है जी। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स, कहता है बैलेंस फ्लेम था फिर क्या हुआ डार्क ड्यू आ गया। अब जरा बताएंगे जी बच्चों विक से बैलेंस फ्लेम से यहाँ पे क्या मुराद है? ये फ्लेम बड़ा ही बैलेंस था, किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं? जी ये लाइफ है इंसान की जो जंग अजीम से पहले थी। इस लाइफ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? बैलेंस फ्लेम था। क्या मतलब है इसका बैलेंस फ्लेम से? मतलब अमन सुकून वाली जिंदगी थी। There was no disturbance before the world wars. Wicks balance flame. फिर क्या होता है उस पे, क्या आके गिरती है? क्या आके गिरती है? डार्क ड्यू। अब जरा बच्चों बताइएगा डार्क भी है और ड्यू भी है, क्या सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, क्यों उसने डार्क ड्यू का इंतखाब किया? उसने इसलिए किया क्योंकि बाद में जंगे सीन के बाद उन पर परेशानियां और मुश्किलात आ गई थी। डार्क और ड्यू दो चीजें हैं। डार्क भी किसका दुश्मन है बोलें? रोशनी का। ड्यू भी किसकी दुश्मन है? रोशनी की। डार्कनेस से भी क्या होता है? डार्कनेस से भी रोशनी क्या हो जाती है? बुझ जाती है। और क्या होगा उससे, ड्यू से भी रोशनी क्या होती है? बुझ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
डार्क ड्यू फॉल्स से मुराद क्या होगा जी? डार्क ड्यू फॉल्स से क्या मुराद होगा? जंगे अजीम जी, जंगे अजीम ने क्या किया? जंगे अजीम ने मुश्किलात की रोशनी को खत्म कर दिया और जिंदगी की जो रोशनी थी, जिंदगी की जो ब्यूटी थी, उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है कि डार्क ड्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वॉर को। तो विक्स बैलेंस फ्लेम आ डार्क ड्यू फॉल्स। तो पोएट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है? द पोएट गिव्स द पिक्चर ऑफ द लाइफ बिफोर वॉर एंड आफ्टर वॉर। तो इसका मतलब सिंबोलिकली उसने बयान किया है किसको? लाइफ बिफोर वॉर एंड लाइफ आफ्टर वॉर। तो दोनों में क्या बताया उसने कि जिंदगी पहले स्मूथ थी, पीसफुल थी, कंफर्टेबल थी, देयर वाज नो टेंशन, एवरीथिंग वाज स्मूथली रनिंग, लेकिन डार्क डे ऑफ वॉर्स डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लो है रोशनी की, वो जिंदगी की भी लो है, वो हैप्पीनेस को भी रिप्रेजेंट करती है। यानी वो सही मानों में जिंदगी अपने डगर पे जा रही थी, फिर क्या हुआ उस पे? क्या होगा? डार्क ड्यू गिर जाती है वॉर की और सारी खुशियों को छीन लेती है। और फिर वो कहता है जी, उसके बाद वो कहता है कि फिर क्या होता है? विक्स बैलेंस फ्लेम। फिर वो कहता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। हर बंदे ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ, हर बंदे ने अपने अपने फ्रूट रखे हुए हैं, जिंदगी की नेमतों को एंजॉय कर रहा है। जिंदगी की ये स्टॉल में, इस जिंदगी की पता भी है ये स्टॉल आरजी टाइम के लिए है, पता भी है इस मेले के बाद ये स्टॉल खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद हर एक ने बड़ी खूबसूरती से अपने फ्रूट सजाए हुए हैं। कौन से फ्रूट हैं? मेलन, गोवा एंड मैंडन। क्या होगा? मेलन खरबूजा है, गोवा अमरूद है और मैंडन क्या है? किन्नो है। तो इसका मतलब ही सारे फ्रूट सजाए हुए हैं उसने, इंसान ने अपने खूबसूरत उन नेमतों को एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है इंसान। लेकिन जो बंदा परेशानियों में गिरा हुआ है, जो वॉर में गिरा हुआ है, वो क्या शो कर रहा है? कहता है पायरामिड पाइल लाइक कैनन बॉल्स। कैसे शेप्ड हुए हैं? जैसे क्या हो? पायरामिड शेप है। ये पायरामिड शेप होती है, पायरामिड का आपको पता ना, जो इजिप्शियन पायरामिड, कॉनिकल शेप, पायरामिड शेप में दिए हुए हैं लाइक कैनन बॉल, जिस तरह से तोप के गोले होते हैं। जरा फ्रूट की पिक्चर देखिएगा और तोप के गोलों की पिक्चर देखिएगा, एक जैसी है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो बंदा परेशान होता है, जो बंदा एंग्शियस होता है, जो बंदा टेंशन में होता है, उसके लिए जिंदगी की नेमतें भी क्या नजर आती हैं? उसके लिए वो ब्लेसिंग भी क्या नजर आती हैं? उससे भी वो क्या करता है? डरता है। तो वॉर ने हर चीज में क्या कर दी? अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। वॉर ने हर चीज का मजा खत्म कर दिया। इंसान दुनिया के इस आरजी बाजार में अपनी मुस्तकिल दुकान बना के बैठ गया। उसने अपने सारे फ्रूट्स को क्या कर दिया? बड़ी खूबसूरती से अरेंज कर दिया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन वहां पे तो क्या आ गया? इसके दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि पोएट परेशान है, और वो क्या है? जो बंदा परेशान हो जंग की वजह से, वो हर चीज को क्या कर रहा है? हर चीज को क्या समझ रहा है? वो हर चीज को क्या समझ रहा है? वो डरावनी समझ रहा है, हर चीज को खतरनाक समझ रहा है। और एक मतलब ये भी है इसका कि ये दुनिया बड़े पुरसकून थी और यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी फ्रूट स्टॉल सजाए हुए था, हर कोई अपने अपनी इस जिंदगी को डेकोरेट किए हुए था, इसको एम्बेलिश किए हुए था, लेकिन वहां पे क्या आके गिरा? क्या आके गिरा? कैनन बॉल्स आके गिरे, जिसने इस ब्यूटी को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये दूसरा मतलब उसका क्या है कि वॉर ने इंसान की इस हैप्पीनेस को छीन लिया, इंसान के इस क्या होगा ट्रबल्स में इजाफा कर दिया। और ग्लो रेड हॉट एंड गोल्ड हार्ट, कभी बहुत गर्म होते हैं और कभी उससे भी ज्यादा गर्म होते हैं। तो ये जिंदगी अब क्या होगी? लाइफ यहाँ पे बर्न कर रही है, जिस तरह से गोले हैं वो कभी रेड हॉट और कभी गोल्ड हॉट होते हैं,
इस तरह से इंसान की जिंदगी बन गई, वो कभी क्या है, वो सख्त मुसीबत में है, कभी कम मुसीबत में, लेकिन है लगातार वो किस में है, मुसीबत में। और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ जी, डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। क्या खूबसूरत उसने मिसाल दी, डार्क चिल्ड्रन है जी, क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं विद अ कॉइन टू स्पेंड। आप जरा गौर कीजिएगा जी, डार्क चिल्ड्रन किस इलाके से तो लग रखते हैं, जाहिर है गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पुअर कंट्रीज हैं, और भाई जिनके पास पैसे हैं उनके काले भी चिट्टे हो जाते हैं, ठीक है, ब्लीच क्रीम लगा लगा के वो क्या हो जाते हैं, वो वाइट हो जाते हैं, और क्या होगा, ठीक है, उनके जो वाइट हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो उनके काले भी जो है ना वो क्या होते हैं, वो वाइट हो जाते हैं, क्योंकि वो सनब्लॉक इस्तेमाल करते हैं, ब्लीच क्रीम लगाते हैं, तो वो कमरों के अंदर रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, तो उनके रंग वैसे ही क्या हो जाते हैं, वाइट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। अब उसके बाद क्या हुआ, डार्क चिल्ड्रन है, दूसरी तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, दुनिया किसमें जो ना वो बिजी है, दुनिया कहाँ पे बिजी है, दुनिया जो है वो जंग में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ क्या है, लोग क्या किस में मुब्तला है, दूसरी तरफ लोग पावर्टी में मुब्तला है, लोग जो है वो गुर्बत का सामना कर रहे हैं, वो गुर्बत को फेस कर रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जंग लगे। इसका मतलब है यहाँ पे दो तरह के मुल्कों को उसने कंट्रास्ट किया, कौन कौन से मुल्क, एक पुअर कंट्रीज है और एक रिच कंट्रीज है। शायर ये कहना चाह रहा है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो अपनी जिंदगी को खामखाम मुसीबत में डाल रहे हैं जंग के नतीजे में, और जो पुअर कंट्रीज हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, वो अपने क्या होगा बुका की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा डार्क चिल्ड्रन विद वन कॉइन टू स्पेंड, वन कॉइन की क्या सिम्बोलिक इंपॉर्टेंस है जी बच्चों, मैंने पहले भी एक दफा हमने जिक्र किया था, वन कॉइन टू स्पेंड क्या मतलब है उसके पास सर, लिमिटेड रिसोर्सेस जी, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, लेकिन उनकी खुशी दीदनी है, यू कैन इट्स वर्थ सेइंग, देयर हैप्पीनेस इज वर्थ सेइंग, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ इवन इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द वॉर अराउंड देम। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि दुनिया जो अमीर लोग हैं वो उलझे हुए हैं अपने प्रॉब्लम्स में, लेकिन गरीब लोग क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी है उन तमाम कंट्रीज पे कि तुमने अपने हैप्पीनेस के स्टैंडर्ड जो है वो बड़े ही क्या बना लिए, बड़े ही स्टूपिड बना लिए। आई कुड रिमेम्बर एन इंटरव्यू ऑफ जवाद अहमद, अ फेमस सिंगर ऑफ पाकिस्तान, वंस द इंटरव्यूअर आस्क्ड हिम कि जवाद साहब व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर लाइफ which is very miserable, which is very painful, which is very difficult. हमने इतनी जिंदगी मुश्किल क्यों बना ली है? उसका बड़ा खूबसूरत सा जवाब था. Though he was not a scientist, he was not a social scientist, but he has experience. उसने कहा जी जिंदगी को हमने इसलिए मुश्किल बना लिया कि हमने अपने स्टैंडर्ड गलत बना लिए. हमने स्टैंडर्ड ये बना लिए कि हमारे पास एक बड़ा सा घर हो, हमारे पास स्टैंडर्ड ये एक बड़ी सी गाड़ी हो, हमारे पास स्टैंडर्ड ये है कि हम टी करें तो हमारे पास नौकर दौड़ के आ जाए। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड को अगर चेंज कर दें, अगर स्टैंडर्ड ये रख लेंगे हर बंदे ने खुद काम करना अपने हाथों से, अगर स्टैंडर्ड ये रख लेंगे मैंने उतने रूम इस्तेमाल करने हैं या उतने बनाने हैं जितने मेरे इस्तेमाल में होंगे, जब टाइम आएगा फिर बना लूंगा, तो डेफिनेटली हमारे स्टैंडर्ड सेल्फ मेड स्टैंडर्ड है, और जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी मुश्किल बना ली। जिस तरह से रिच कंट्रीज ने अपने स्टैंडर्ड बना लिए कि हमारी ऑनर का मसला है, और नतीजतन क्या हुआ, दुनिया को, पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया, तो वो शायर यहाँ पे कंट्रास्ट कर रहा है किसके साथ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, रिच कंट्रीज के साथ, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है ना लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े रिसोर्सेज होने के बावजूद भी, आयरनी ऑफ सिचुएशन है।
होना तो ये चाहिए कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो ज्यादा एंजॉय करे, ऐसे ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसे वो रात को सोता ही नहीं है बेचारा, उसको डिप्रेशन है, उसको जो है ना वो परेशानियां हैं। और एक जमींदार आदमी जो क्या होगा, एक एकड़ पे भी काम करता है, चार कनाल पे भी काम करता है, वो शाम को आके सोता है। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ दिस लाइफ। जितना आप क्या करते हैं, अपने आप को इंडल्ज करते जाते हैं, उतना आप सुकून को बर्बाद करते जाते हैं। तो शायर ने यहाँ पे दो तरह के लाइफ स्टाइल को कंट्रास्ट किया है। एक लाइफ स्टाइल जो है ना वो लग्जरियस लाइफ स्टाइल है, और एक लाइफ स्टाइल कौन सा है जो हार्डवर्किंग का, डिलीजेंस का लाइफ स्टाइल है। तो वो डिलीजेंस वाले क्या है, पुरसकून है, लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए भी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सी मिसाल दी, दे एंटर द लैंटर्न्स ऑफ इट। वो लालटेन के दायरे में आ जाते हैं, चिल्ड्रन डार्क हैं, और कहां पे आ जाते हैं, लालटेन के दायरे में आ जाते हैं। क्या मतलब लालटेन किसकी सिंबल है यहां? इर्द गिर्द क्या था सारे दुनिया में, दुनिया में क्या चीज थी, अंधेरा था, रोशनी और उम्मीद की, हर तरफ क्या था, अंधेरा था। और डार्कनेस किसकी थी, पैसिमिज्म की। डार्कनेस किसकी थी, क्या होगा, डार्कनेस किसकी थी, पैसिमिज्म की। डार्कनेस किसकी थी, परेशानियों की। और क्या किया, डार्कनेस परेशानियों की थी, और वो क्या है, उम्मीद की किरण लेके चले गए इसमें लालटेन के दायरे में, दुनिया के स्टाल में वो उम्मीद की किरण लेके आए। इसका मतलब वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। Enter the lens of it, wo they forget the darkness of this world, they forget the pessimism of this world. Wo duniya ke pessimism ko bhul jate hain, find balance, go and madam, aur wo kya khate hain, fruit khate hain, zindagi ki neamaton ko enjoy karte hain. Wo fruit se darte hain ya nahi darte, wo fruit se nahi darte, wo usko top ke gole nahi samajhte. Iska matlab kya hua, they are not afraid of war. वो जंग से डरे हुए नहीं है, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे आर होपफुल, दे एंटर द लैंटर्न ऑफ इट। डार्कनेस किस बात की सिंबल थी, डार्कनेस सिंबल थी तबाही की, और जब वो तबाही से किस तरफ आ गए, लाइट में आ गए, रोशनी में आ गए। तो रोशनी से मुराद क्या है, ये हैप्पीनेस है। रोशनी से मुराद क्या है, ये प्लेजर्स ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी की खुशियां हैं, आसानियां हैं। और फिर वो बड़े खूबसूरत से अगली सिंबल इस्तेमाल करता है। वो कहता है क्या होगा, द मून कंपैक्टेड टू रेंट, क्या होगा, चांद के गिर्द क्या आ गया, चांद के गिर्द क्या आ गया, चांद के गिर्द एक क्या आ गया, कंपैक्टेड टू रेंट, उसके गिर्द एक हार्ड कवरिंग आ, कंपैक्टेड रेंट। चांद का काम क्या था बच्चों, चांद ने क्या करना था दुनिया को, रोशनी देनी थी। चांद का काम रोशनी देना था, लेकिन वो किस में गिर गया, एक ऐसे कवर में जिसमें उसकी रोशनी नहीं निकल रही। क्या मुराद है यहाँ पे, चांद से कौन से किस, क्या मुराद ले रहा है पोएट, क्या मुराद है, दुनिया वाले लोग, दुनिया के कौन से मुल्क, डेवलप्ड कंट्रीज, रिच, जो चांद थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, जिन्होंने दूसरे को रोशनी देनी थी, वो क्या होगी, उनके गिर्द क्या आ गई, हार्ड कवरिंग आ गई। हार्ड कवरिंग किसकी आ गई, रेंट किसकी आ गई, प्रेजुडिस की हार्ड कवरिंग आ गई, किसकी हार्ड कवरिंग आ गई, प्राइड की हार्ड कवरिंग आ गई, किसकी हार्ड कवरिंग आ गई, उनके क्या होगा, मैलस की हार्ड कवरिंग आ गई, उनमें बुगज आ गया, उनमें हसद आ गया, उनमें प्राइड आ गया, उनमें सुपीरियरिटी का एहसास आ गया। तो मून कवर हो गया रेंड में, सन इज पिटेड स्किन, और सूरज का काम क्या हो गया जी, पिटेड हो गया। क्या मुराद है इसका, सूरज भी रोशनी देने में क्या हुआ, नाकाम हो गया, रोशनी देनी थी लोगों को, लेकिन पिटेड स्किन हो गया। आप जरा देखिए, फ्रूट के साथ मिलाएं, सूरज चांद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होगा, गावा को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेटाफर है किसका, मेंडन का। यानी फ्रूट के जरिए से उसने क्या एक्सप्लेन किया, चांद को और सूरज को, यानी किस मुल्कों को क्रिटिसाइज किया उसने, डेवलप कंट्रीज को क्रिटिसाइज किया। डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं, वो उन्होंने अपनी ड्यूटीज को बुला के, अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को बुला के, जो उन्होंने एज ए ह्यूमन बीइंग एक रोल है हमारा,
जब हम इस इंसानी सोसाइटी में आते हैं तो हमारे कुछ इस दुनिया के इस मुआशरे में हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, हमारी जो है ना वो क्या है, हमारी जिम्मेदारियां हैं जो इंसान ने अदा करनी है। क्या आप समझते हैं इंसान जानवरों की तरह है जिस तरह से चाहे वो रह सकता है? नहीं, जहां पे हमारी आजादी शुरू होती है वहां पे अगले की आजादी शुरू हो जाती है। तो हमें अपने उस रेस्ट्रेन में, अपने उस फ्रेमवर्क में रहना है। क्या होगा? तो उस फ्रेमवर्क में रहना है हमें, और इंसानियत के इस फ्रेमवर्क में क्या है, वो वर्ल्ड जो रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है वो नहीं रहे। उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपनी रोशनी को भूल के जो दुनिया को उन्होंने रोशन करना था उन्होंने दुनिया में अंधेरे का सबब बने, और शायर उसको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है यहाँ पे। फिर वो कहता है, उसके बाद वो कहता है, अ गोल ऑफ क्या फाउंटेन वेट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, बच्चे अपनी जिंदगी को क्या करते हैं, उनको को परेशानी होती है मेरी तरफ को देख रहा है, कभी उसने सोचा कि मुझे कोई क्या कहेगा, मेरा मुंह भरा हुआ है, मेरा मुंह गंदा है, मेरा मुंह फिलती है, कभी सोचा उसने? बच्चा ये नहीं सोचता। उसने कहा कि मैंने जिंदगी में बच्चे से दो चीजें सीखी, एक क्या, एक वो प्रेजेंट के लिए जीता है, एक वो प्रेजेंट के लिए जीता है, और एक वो किसी के लिए नहीं जीता। तो क्या होगा, बच्चा सिर्फ अपने लिए जीता है और प्रेजेंट के लिए जीता है, कोई फिक्र नहीं होता है मुआज फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको कोई परेशानी नहीं आगे क्या होने वाला है। तभी वो कहता है, मुझको लौटा दे वो बचपन की क्या, बचपन का सावन, वो कागज की किश्ती, वो बारिश का पानी। तो वो क्या है, यहाँ पे वो शायर जहाँ पे एक और चीज को कंट्रास्ट कर रहा है, वो क्या चीज है, वो अडल्टहुड है और चाइल्डहुड है। अब यहाँ पे दो फेजेस ऑफ लाइफ को भी वो इसके जरिए से सिंबोलिकली वो एक्सप्रेस कर रहा है। बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चाइल्डहुड को, और शायर इंडिकेट कर रहा है किसको, अडल्टहुड को। तो अडल्टहुड जो है वो कौन है, पोएट है, और चाइल्डहुड कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क चिल्ड्रन है। क्या होगा, जो क्या कर रहे हैं, अडल्टहुड में बहुत सारी परेशानी है, वो कभी पढ़ाई की परेशानी, कभी फ्यूचर की परेशानी, कभी दुनिया के ताने, कभी रिश्तेदारों की जो ना वो बातें, कभी ये के देखता हूँ आप क्या करते हो, कभी जो ना वो क्या कहते हैं, श्रीका और अमरीका कहते किसी का नहीं हुआ वो, कभी हमारे यहाँ जो पंजाबी कल्चर में क्या है, श्रीके की जो ना वो टेंशन क्या होगा। जैसे कल भी हम एक जगह पे बैठे हुए तो उसने कहा, जी हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि हमने बड़ा ओहदा क्यों लेना है, श्रीका नु दिखाना, ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़े बड़े मोटिव्स हैं, हमारे पास बड़े अजीम मकासद हैं, वो कह सा किसी को जेलस करना, किसी को, मैं आरानी के लिए कह रहा हूँ, सही नहीं कह रहा क्या गा, किसी को जेलस करना, किसी से बड़ा होके दिखाना, ये हमारे छोटे छोटे मकसद हैं। तो यही वो शायर यहाँ पे कहना चाह रहा है उनको, तमाम दुनिया के उन मुल्कों को, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि बच्चों की तरफ देखो, अगर जिंदगी जीनी है तो बच्चे की तरफ देख के जियो, दे टेक इट ब्रेक एंड ओपन, वो उसे खोलते हैं, तोड़ते हैं और जिंदगी को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या होगा जी, क्या होगा जी, उसके नतीजे में क्या होगा, गोल्ड एंड सिल्वर फाउंटेन वेट। फिर क्या होता है, उससे मुख्तलिफ किस्म के जूस निकलते हैं। किससे, जो फ्रूट खा रहा था कौन सा है, गोल्ड कलर का फ्रूट किससे निकलता है, मेंडन से। सिल्वर का किससे निकलता है, किससे, वो मेलन से। खरबूजे से व्हाइट कलर का निकलता है, और किससे, मेंडन से, किसका निकलता है, क्या होगा, मेंडन से वो गोल्ड कलर का निकलता है। माउथ फिंगर चीक एंड क्या गंडो, सब कुछ उनका चिन्ह, हर चीज भर जाती है। यहाँ पे बच्चों की लाइफ स्टाइल बताया है, बच्चे क्या है, केयर फ्री है, दे हैव नो टेंशन, दे हैव नो वरीज, दे आर फ्री ऑफ ऑल केयर्स, दे डोंट केयर फॉर द क्या होगा, पेसिमिज्म अराउंड देम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द वॉर अराउंड देम, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मिजरीज दे हैव टू कम इन फ्यूचर। क्या होगा, दे हैव क्या होगा, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्यूचर। लेकिन क्या है, रेडिएंट एज लैंटर्न दे फॉरगेट, वो कैसे है, लैंटर्न की तरह वो क्या है, हैप्पी है, वो क्या है,
वो मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। किस तरह से है, यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल की उसने, कौन सी सिमिली है जी, रेडियंट एज लैंटर्न। किस तरह से, जिस तरह से लालटेन रोशन होती है, इस तरह से रोशन है। रोशनी से मुराद यहाँ पे क्या है, उनकी खुशी दीदनी है, उनकी जो है वो क्या है, लाइट किसकी है, हैप्पीनेस की लाइट है। दे फॉरगेट, वो भूल जाते हैं, द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग, आखिर में वो क्या कहता है, वो गली जहां पे मैं खड़ा हूं उसको तो वो भूल ही जाते हैं। कौन सी गली है जी जहां पे मैं खड़ा हूं, ये कौन सी गली है, ये एडल्टहुड की गली है, ये कौन सी गली है, ये कौन सी गली है, ये परेशानियों की गली है, जो इंसान बड़ा होके परेशानियों को फेस करता है। क्या होगा कि इंसान उन मुसाइब को फेस करता है, उन परेशानियों को फेस करता है, क्या होगा, उन मुसाइब का फेस करता है, वो उन परेशानियों में गिरा होता है, और उन परेशानियों में गिर के वो भूल जाता है, वो यहाँ पे डार्क रिट्रीट में खड़ा है। डार्क रिट्रीट में कौन खड़ा है, डार्क रिट्रीट में कौन खड़ा है, डार्क रिट्रीट में शायर खड़ा है, डार्क स्ट्रीट में एक बड़ा आदमी खड़ा है, एक अडल्ट आदमी खड़ा है, जो क्या कर रहा है, मुसाइब में गिरा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, वॉर है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, पॉवर्टी है, उसको मुसाइब का सामना है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, मिजरी है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, चैलेंजेस है, जिसके इर्द गिर्द क्या है, मुसाइब का शिकार है दुनिया, और उसमें गिरा हुआ वो क्या समझता है अपने आप को, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं डार्कनेस में खड़ा हूँ, मैं अंधेरे में खड़ा हूँ। अंधेरा कौन सा है, मुश्किलात का अंधेरा है। अंधेरा कौन सा है, ये मसाइब का अंधेरा है। अंधेरा कौन सा है, ये पेसिमिज्म का अंधेरा है, होपलेसनेस का अंधेरा है, जो इसके गिर्द खड़ा है। और यहाँ पे ये भी कह रहा है, अंधेरे में खड़ा होके किसकी तरफ देख रहा है, वो बच्चों की तरफ देख रहा है, वो चिल्ड्रन की तरफ देख रहा है। और कैसा होना चाहता है, जिंदगी कैसी गुजारना चाहता है, उन बच्चों जैसी जिंदगी गुजारना चाहता है। वो चाहता है कि आई मे बी लाइक देम, मैं भी उन बच्चों की तरह केयर फ्री हो जाऊं, मैं भी उन क्या होगा बच्चों की तरह जिंदगी को एंजॉय करूं। तो इस तरह से शायर जो है वो दो तरह के लाइफस्टाइल को, दो तरह के फेजेस ऑफ लाइफ को, और दो तरह के क्या होगा कंट्रीज को कंट्रास्ट कर रहा है इस पोएम में, और वो दोनों को डिफरेंस क्रिएट करता है कि किस तरह से अगर क्या हो जाए, अगर वो दुनिया में अगर अमन पैदा करना है तो फिर क्या होगा, हमें उसकी हकीकत को समझना है। यहाँ पे जो जो आप इस सफर में आगे बढ़ते जाते हैं, जो जो सफर में पहली जो ना वो चाइल्डहुड क्या है उसमें एंजॉयमेंट है, और जो जो आगे बढ़ते हैं उसमें परेशानियां हैं, ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा, इस तरह से हम उसको, इस पोएम को हमने कंक्लूड कर लिया। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।